बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक आज सुबह करीब 5 बजे दो अज्ञात लोगों ने ये गोलीबारी की। पुलिस का कहना है कि 3 राउंड की फायरिंग होने की सूचना मिली है। दबंग एक्टर का घर मुंबई के बांद्रा में स्थित है। मुंबई पुलिस का क्राइम ब्रांच मौके पर है और जांच शुरू कर दी गई है। बताया जा रहा है कि फॉरेंसिक टीम भी घटना स्थल पर पहुंच चुकी है और शुरुआती दौर की जांच पड़ताल चल रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना के समय सलमान खान घर के अंदर मौजूद थे। फायरिंग करने वाले दोनों बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे। बताया जा रहा है कि गोलियां चलाने के तुरंत बाद दोनों वहां से भाग गए। घटना के वक्त दोनों ने ही हेलमेट पहना हुआ था, इस वजह से उनकी पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। गोलीबारी के चलते किसी तरह के जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। मीडिया में जो तस्वीरें सामने आई हैं, उनमें देखा जा सकता है कि सलमान खान के घर गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर पुलिसकर्मी तैनात हैं। हालांकि हादसे में किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फायरिंग की घटना ने फैंस और फैमिली को चिंता में डाल दिया है। टाइट सिक्योरिटी के बावजूद ऐसा हादसा होना खौफनाक है। गैलेक्सी अपार्टमेंट जाकर फॉरेंसिक टीम ने जाँच की, दीवार के अंदर गोलियों के निशान पाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक सलमान खान के घर की बालकनी में जो नेट लगा है उसमें भी एक गोली लगी। उस गोली का शेल सलमान के घर के अंदर से पुलिस ने बरामद किया है। सलमान इसी बालकनी में अपने फैंस से रूबरू होने के लिए कई बार आते हैं। ईद हो या दिवाली, सलमान इसी बालकनी में आकर फैंस का आभार जताते हैं। पता चला है कि हमलावरों ने कुल 3 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें से सलमान खान के घर की तरफ फायर किए गए और एक गोली बिना फायर के जमीन पर गिरी। बता दें, साल 2023 में भी सलमान के ऑफिस में लॉरेंस बिश्नोई गैंग से एक धमकी भरा ईमेल भेजा गया था। लॉरेंस बिश्नोई की धमकी के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी थी। फिलहाल सलमान को अभी वाई प्लस सुरक्षा दी गई है। दरअसल मोहित गर्ग की आईडी से सलमान खान के ऑफिस में भेजे गए ईमेल में कहा गया था कि तेरे बॉस सलमान खान से गोल्डी भाई को बात करनी है। लॉरेंस बिश्नोई का इंटरव्यू तो देख ही लिया होगा, नहीं देखा हो तो बोल देना कि देख ले। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी है। हाल ही में लॉरेंस बिश्नोई ने एक्टर सिंगर गिप्पी ग्रेवाल की कनाडा स्थित आवास पर भी हमला कराया था। इस हमले के बाद कहा गया था कि सलमान खान के साथ उनके करीबी संबंध है, इस वजह से ये हमला किया गया। वहीं इस हमले पर शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा कि सलमान खान बड़ा नाम है, पॉपुलर नाम है, इसलिए आप लोग ये सवाल हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन मुंबई में हर दिन इस प्रकार की फायरिंग हो रही है। कानून व्यवस्था बहुत ही खतरनाक मोड में है। सलमान खान सुपरस्टार है, इसलिए ये खतरनाक नहीं है कि उनके ऊपर फायरिंग हो गई। कहाँ है मुंबई कानून व्यवस्था के रखवालदार, कहाँ है, कहाँ है गृहमंत्री? 24 घंटे चुनाव मोड में है, हाँ, कभी दिल्ली में है, कभी चुनाव प्रचार सभा में है, कभी अपने विरोधियों को खत्म करने के षड्यंत्र में बैठे रहते हैं। कौन देखेगा कानून व्यवस्था?